एकदम से मतलब डर गया मैं, इतना खतरनाक। अभी देखियो कितना खतरनाक धुआं निकल रहा है। तो हुआ था लेकिन ज़्यादा तो बेगू भीगा नहीं, लेकिन भीगा है। इश ओए राम, मेरा इसका अंदर कंबल रह गया। आज तो कैसे सोएगा बिना कंबल का, गया हालत खराब हो गया मेरा। तो गाइस अभी मॉर्निंग का 7 बज चुका है और उस तरफ से हो रहा है प्यारा सा सनराइज। और बाकी बाहर निकलता हूँ अभी, पहले तो और ये रहा बाहर निकलते खूबसूरत सा नज़ारा। वाह, और पूरा खतरनाक से धूप गिर रहा था, उसका वजह से पूरा नींद टूट गया। भाई भी उठ चुका, गुड मॉर्निंग भाई। एक भाई तो सो रहा है, पूरा आराम आराम का मामला है ना, सो रहा है। नहीं तो ठीक है, अभी मैं फ्रेश व्रेश हो लेता हूँ, उसके बाद बढ़िया से मिलते हैं। तो गाइस ये रास्ता है और ऐसा कुछ होटल है, होटल का नाम आपका हिल टॉप हेवन। तो इसी का नीचे हम लोगों ने टेंट लगा के रखा है और अभी ब्रश कॉल कट ले लिया हूँ और अंकल जी से परमिशन लेता हूँ, बैठा हुआ है। थोड़ा सा चार्जिंग लगा देते हैं इसमें पावर बैंक में। और उस तरह भी आपका बाथरूम वाथरूम फ्रेश होने का टेंशन ही नहीं है, वहाँ पहले से चार्जिंग में लगा देता हूँ। तो गाइस ब्रश व्रश करके मुंह धो के फ्रेश हो चुका हूँ, तो अभी अपना इंट्रो देता हूँ। गुड मॉर्निंग गाइस, सभी को नमस्कार और स्वागत करता हूँ एक और नए वीडियो पर। और बाकी अभी टेंट वगैरह क्लोज कर लेता हूँ बढ़िया से। सच में क्या मस्त मतलब नज़ारे में सो रहा था, सुबह होते ही इतना मस्त नज़ारा देखने को मिला और पूरा चिड़िया का साउंड सुनने को मिलते रहता है, कितना बढ़िया ब्यूटीफुल दिखे ना। वाओ सच में यहाँ का लोगों का क्या मस्त सुबह होता होगा, सुबह उठने का साथ ही पूरा चिड़िया का साउंड, पूरा रिवर, बस तो क्या अल्टीमेट। तो जो भी हो अभी टेंट क्लोज कर लेता हूँ और मेरा चूल भी शायद हेयर भी थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया, इसको भी काटने पड़ेगा। देखता हूँ अंकुश भाई को बोलने पड़ेगा, भाई काट देगा। कैमरा थोड़ा वो हो रहा है क्या, सफ़ा कर लेता हूँ अभी, शायद ठीक आ रहा है। भाई ने मेघालय में काटा था ना, अमेरिकन वाला हेयर कट। यहाँ सुबह सुबह पूरा तेज़ धूप निकल आता है लेकिन रात को उतने ज़्यादा ठंड भी होता है दिन में जितना गर्म होता है। तो गाइस ये आ चुका है अपना चाय मॉर्निंग का और ऐसा कुछ नज़ारे में चाय पीने का क्या आनंद। ओफ अभी सबको देता हूँ, लेकिन अंकुश भाई अभी चाय नहीं पी रहा है, उस भाई के लिए लाया अमूल कूल, पहले दे देता हूँ भाई को। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी, जय भोले की। जय भोले की। तो वैसे भी टेंट पैकिंग हो चुका है, वो जितना भी सामान वगैरह थोड़ा सा धूप में दे चुका हूँ और अभी जल्दी से जाता हूँ, जल्दी से नहा के आता हूँ, पूरा फ्रेश होके आता हूँ, बढ़िया से नहाता हूँ। ठंडा पानी है ना, ठंडा पानी है। भाई साहब नहा के आ चुके, जोया यो खोम। मस्त भाई का हेयर अच्छा लगा मुझे। सही है। तो बस एक्चुअली मैं अभी भाग भाग पे इसलिए आ रहा हूँ, मोबाइल छूट गया था। और जो नहाने का हम लोग का जगह है ना, एकदम फर्स्ट क्लास मस्त, देखिए ना ये रहा सामने रास्ता और भाई नहा रहा है यहाँ में। वाह, एक बार पानी थोड़ा सा खोल के दिखाना। वाह, बड़ा ठंडा ठंडा पानी, बढ़िया बढ़िया। जय शंभू, हर हर महादेव। और यहाँ पे मेरा एक पैंट और दो स्पोर्टिंग भेगा कर रखा है, उसको भी धो देगा फिर नहाते। मस्त पानी, हर हर महादेव। तो गैस कपड़ा धो के वहाँ पर टांगा दिया, जल्दी सूख जाएगा, टेंशन नहीं है। और बाकी पूरा मस्त लग, पूरा मस्त लगा नहा के, पूरा इतना टाइम नहाया ना, क्या बोले, पूरा करीब 20 मिनट करीब तो नहाया होगा, इतना मज़ा। पानी ठंडा ठंडा पानी और पूरा धूप निकल चुका, इसका वजह से मस्त लगा और काफ़ी दिनों बाद ऐसा नहाने को मिला। तो अभी चलते ऊपर, ब्रेकफास्ट कर लेता हूँ।
फिर पैकिंग तो हो ही चुका है, खाली बैग में वो सब भरा ना है कपड़ा वगैरह, फिर यहाँ से निकल। तो गाइस ब्रेकफास्ट में ऐसा इसको क्या बोलते हैं मैं भूल गया, सैंडविच। ओके ओके सैंडविच। और एक भाई नहा धो के अभी पूरा शूज पहन रहा है। तो अभी लोगों का पैकिंग चैकिंग हो चुका है, और इसमें पूरा अंदर भी एक वो है कि टेंट है, बाहर भी टेंट, पूरा ठूस ठूस के भरा है इसमें। सब कुछ भी नहीं डाल सकते। और बाकी निकलते और ये चॉकलेट खा रहा हूँ मंच, और ये ब्यूटीफुल सा नज़ारा, सुंदर का नज़ारा को बाय बाय बोल के चलते हैं। तो गाइस पूरा सामान वामान आ चुका है, अभी इसमें लोडिंग करेगा, और पानी भी भरा ले तो ये खाली बोतल ले वहाँ से सप्लाई पानी। और अंकल जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको, ठीक है। तो ठीक है, आज का दिन का शुरुआत करते हैं लेके महादेव का नाम, हर हर महादेव। तो गाइस देख पा रहे हो ना, जगह है नहीं, कैसे तैसे करके एडजस्ट करके चलने पड़ रहे हैं हमें। थोड़ा सा है, यहाँ पे घुस जाऊँगा मैं, गिरेगा तो नहीं, बहुत ही खतरनाक मालूम है यार। तो गाइस देख रहे हो ना, पूरा गाड़ी मतलब धुआं निकल रहा है खतरनाक से, एकदम से मतलब डर गया मैं, इतना खतरनाक। अभी देखियो कितना खतरनाक धुआं निकल रहा है, पूरा इतना खराब स्मेल आ रहा है ना, क्या बोले, धुआं देखिए ना लगा लग। फिर भाई को बोला गाड़ी रुकाओ, गाड़ी रुकाओ भाई, ये रुकाया, अभी भी कितना टाइम हो रहा है, पूरा धुआं निकल रहा है आज खतरनाक। और नीचे जैसे नीचे देखिए ना कितना खतरनाक वो है, मतलब खाई है, वाह। और मेन बात तो ग्रीनरी देखिए, सच में कितना मस्त व्यू है, एंजॉय एंजॉय ब्रदर। ओह सही में गाइस क्या नज़ारा है यहाँ पे, क्या क्या जान, मंकी तो हर पूरा बहुत होता है यहाँ पे, मंकी हर जगह है। और फिर भालू भी होगा, फिर आपका सीता भी होगा शायद, मालूम नहीं। लेकिन धुआं देखिए अभी भी खतरनाक से निकल ही रहा है, बुझने का नाम ही नहीं ले रहा है। कुछ टाइम अभी वेट करता हूँ, ठंडा होने देता हूँ। और मुझे आज भी फर्स्ट फ्लोर पे बैठ के आने पड़ रहे हैं, उपाय नहीं है, फर्स्ट फ्लोर इसका भी कुछ इंतजाम करने पड़ेगा धीरे धीरे। अरे बाप कितना सारा है, पूरा झुंड लंगूर लंगूर, वाओ बाप बाप। ठीक है एंजॉय करो, हम लोग चलते हैं। कुछ खाने के लिए दिया वहाँ पे, पूरा खा रहे हैं मतलब, पास जो नहीं जाएगा, बहुत डर लग रहा है मुझे, आगे अटैक कर दिया गया। तो गाइस अभी मैं चल ही रहा था, और आपका दुकान है ना ये, अच्छा। और भाई जी मतलब गाड़ी का नंबर देखा AS, तो पूछा आसाम का, और मतलब भैया गुवाहाटी में थे, गुवाहाटी कहाँ पे थे आप, बोरबारी में, वाह। कितना मतलब कुछ कोर्स कर रहे थे ना, अच्छा सर, बढ़िया बढ़िया। यहाँ से और कितना साल रहा आप गुवाहाटी में, आप 3 साल, 3 साल, वाह काफ़ी। कैसा लगा वहाँ पे, बढ़िया ना, सही है। यहाँ से चोपटा कितना हो रहा है, यहाँ से 7 किलोमीटर, 7, ओके ओके ठीक है, थैंक यू, अच्छा लगा मिलके, मुझे भी आपको भी। तो गाइस अभी दोपहर का 12 बजने वाला है, और अभी हम लोग पहुँच चुके हैं चोपटा, और बाकी बाइक यहाँ पे पार्क कर दिया, सामान इधर ही रहने देते हैं, क्योंकि खोलना निकालना बहुत झमेला होता है। हर हर महादेव। तो ठीक है अभी चलता हूँ, हर हर महादेव। तो गाइस इसी महीने का मैं 13 तारीख को आया था, और हम लोगों का यहाँ पर टिकट लिया था, लेकिन यहाँ अभी कोई दिखाई नहीं दे रहा है, शायद टिकट का सिस्टम हटा दिया होगा, क्योंकि तभी तो टुंगनाथ मंदिर मतलब शिव मंदिर, सबसे दुनिया का ऊंचा शिव मंदिर स्थित, वो तो बंद था शायद तभी ना, हाँ। अभी खुल चुका है, उसके वजह से शायद अभी टिकट का सिस्टम हटा दिया, अभी चलाना चाहिए था वैसे मेन। और अभी नीचे क्या बताओ, बंदा खाना खाने गया हो, लेकिन रहता है, 2 बंदा था यहाँ पे, अच्छा हाँ, अभी एक भी नज़र नहीं आ रहा है। और अभी तो यहाँ से मतलब खच्चर और घोड़ा का भी वो पूरा शुरू हो चुका है नीचे, मतलब अभी ज़्यादा लोग आने लगे, क्योंकि खुल चुका है ना मंदिर, क्या कितना लकी हो ना, एक महीना में ही 2-2 बार भगवान शिव का दर्शन, वो भी
दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित दुनिया ब्रह्मांड। ओह यस भैया जी, क्या लेके जा रहे इसमें? बिस्तर है, बर्तन है। अच्छा, पूरा ऊपर तक ना? होटल है, ऊपर तक लेके जाएंगे। हाँ। अच्छा सही है, चलिए। ओह क्या नज़ारा है, ओह माय गॉड। तो बस अभी नीचे से चलते चलते करीब कितना 45 मिनट हो चुका है और ऐसा कुछ जगह में पहुंच चुका हूँ। राधे राधे, फूल देखिए ना कितना मस्त खिल रहा है, सही में मस्त लग रहा है फूल का कलर। और भाई भी खिल रहा है, फूल भी खिल रहा है, सही में। नेटवर्क ही ना आया यहाँ पे। बोल, चलो चलते आहिस्ता आहिस्ता। ओके जी भाई, 2 किलोमीटर हो गया है और अच्छा लग रहा है। ऊपर क्या है, ऑक्सीजन थोड़ा कमी है। अच्छा, तो थोड़ा सा दम फुल रहा है, फुल रहा है। बट कोई नहीं, पहुंच जाएंगे जल्दी घंटे में। हर महादेव, हर हर महादेव जी। तो गाइस यहाँ से और ज़्यादा दूर नहीं है पहुँचने वाले, लेकिन आज हो गया 28 तारीख और मैं 13 तारीख को आया था। 15 दिन में पूरा बर्फ़ गायब हो चुका था, गायब हो चुका है। आप लोगों ने अगर मेरा वीडियो पहले वाला देखा होगा तो उसमें देख पा रहे होंगे, मतलब पूरा बर्फ़ से ढका हुआ था। अभी पूरा बर्फ़ गायब हो चुका है 15 दिन में। ठीक है, अभी थोड़ा ही है, पहुँचता हूँ। तो गाइस मुझे ना अभी ऐसा लग रहा है कि ये जो जगह है, ये जगह को दुनिया का सबसे डरावना जगह घोषित मतलब कर दिया जाए। हाँ, वो कर सकते हैं, मतलब क्या मुझे वो ही नहीं आ रहा है, बस बढ़िया। हाँ, घोषित किया जाए ऐसा खतरनाक, नहीं जाने वाला। सॉरी सॉरी, उतर जाता हूँ। तो ठीक है, सच में बहुत ही खतरनाक वो नज़ारा। माँ कसम नहीं खाना चाहिए था, वो नज़ारा तो बहुत ही अजब गजब अल्टीमेट। तो गाइस भले ही बर्फ़ ना हो लेकिन ठंड तो बहुत है। 15 दिन में पूरा बर्फ़ गायब हो चुका है यहाँ से, लेकिन ठंड है। और अभी शाम भी हो चुका है ना, उसका वजह से शायद ठंड बहुत ही ज़्यादा है। और अभी पहुंच चुके जय बाबा टुंगनाथ, अंदर चलते दर्शन करते, आप लोगों को भी कराते हैं। तो जय हो बाबा टुंगनाथ। बहुत सारे लोग अभी पूरा लाइन पे रुके हुए, भाई भी है। बढ़िया बढ़िया, जय हो। हर हर महादेव, जय हो बाबा टुंगनाथ। हर हर महादेव, जय बाबा तुंगनाथ। तो आप लोग यहीं से दर्शन कर लीजिए जो कि है दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित शिव मंदिर। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। हाँ, तो बता, मंदिर बना ना, उसमें कोई सीमेंट कुछ नहीं है यहाँ पे ना? और जो टेरिटरी है ना, तेरे को पत्थर लगा हुआ है। हाँ। ब्लॉक सिस्टम के हिसाब से लगा हुआ है। अभी दर्शन कर लेता हूँ अंदर, अंदर तो अलाउ नहीं है कैमरा, तो उसका कल कहाँ हुआ कुछ कहीं अंदर अलाउ होता तो भाई पूरी वीडियो बना। शुक्र है अलाउ नहीं है। नहीं नहीं, जगह हमने इतनी तेज आन दिया यार। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। तो गाइस बाबा तुंगनाथ मंदिर के सामने ये है भैरवनाथ मंदिर, इसके भी दर्शन कर लीजिए। सभी का जीवन धन्य हो, सफल हो, वही कामना करता हूँ। हर हर महादेव। और ये है महानंदा पार्वती। हर हर, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर महादेव, हर हर महादेव। बस अभी मौसम बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुका है, देख सकते हो उस तरह तो पूरा बर्फबारी हो रहा है, मतलब स्नोफॉल इस तरह तो पूरा बारिश दे रहा था। और अभी यहाँ से चलते हैं, जय हो बाबा तुंगनाथ। बहुत ही मस्त लगा दर्शन करके, आप लोगों को भी दर्शन किया कराया। और ये 5 केदार में से 3रे नंबर भी आता है ये। ठीक है, अभी चलते हैं, नीचे भी उतरना है
जय हो बाबा तुंगनाथ। तो गाइस अभी मौसम बहुत ज़्यादा ही खराब हो चुका है और यहाँ तो पूरा स्नोफॉल हो रहा है, देख पा रहे हो। और हाँ उस तरफ देखिए पहले मंकी, और हम लोगों ने ये बोतल लेके गया था और बोतल लेके जा रहे हैं नीचे तक। अभी चलता हूँ, अगर नीचे बारिश हुआ तो बैग तो भीग गया होगा, पता नहीं। अभी जाके देखता हूँ क्या होता है क्या नहीं। ऐसा कर रहे पूरा सुनो फोर ऐसे साउंड कर रहा है जैकेट में गिर के। और वो रहा सबसे डेंजरस प्लेस, खतरनाक डरावना, मैं बोला था ना सामने से थोड़ा सा दिखा था, और जाते हुए टाइम भी मतलब जाते हुए भी थोड़ा सा दिखा रहता हूँ। सामने नहीं जाऊंगा, यहाँ से दिखा देता हूँ। हाँ बस प्रभा बस बस बस, और नहीं और बहुत ही ज़्यादा नीचे है, मैं जाऊंगा नहीं, बस चलता हूँ, बाय बाय। तो गैस बारिश तो हुआ था लेकिन ज़्यादा तो बेगू भीगा नहीं, लेकिन भीगा है। ईश ओए राम, मेरा इसका अंदर कंबल रह गया, आज तो कैसे सोएगा बिना कंबल का, गया हालत ख़राब हो गया मेरा। बैग को कहीं पे रखने रख के जाना चाहिए था, सोचा नहीं यार क्या हो गया। और अभी 5 बज चुका है, हम लोग उतर के आ चुके हैं, 5 घंटे लग गया करीब। लेकिन बैग जो है बैग के लिए बहुत, अगर आज रात को कैसे सोएगा इतना ठंडा में, पूरा भीज गया, भीज गया भाई, क्या होगा अभी कैसे सोएगा कंबल। Oh my God. गया गया गया, होगा चलो जो होगा देखा जाएगा। तो गाइस अभी शाम का 6:15 हो चुका है और हम लोग चोपड़ा से निकल चुके हैं तो बद्रीनाथ की तरफ जो रास्ता आता है। लेकिन आज बहुत ही झमेला हो गया, झमेला जितना कपड़ा था वो तो पहले भी बोल दिया, पूरा भीज चुका है अंदर, पूरा भीज गया। और बाकी यहाँ मैं रास्ते से आ रहा था, आग लगा रहा है रहने के लिए शायद कोई यहाँ का, तो पास में जाके थोड़ा आग सेक लेता हूँ, और बहुत ही ठंड है उसकी वजह से चलता हूँ अभी नीचे। तो गाइस अभी लास्ट में ऐसा कुछ डिसीजन हुआ, और सब लोग है, भैया लोग, अंकल लोग, ये लोग भी घूमते रहे, देखा नहीं पूरा गाड़ी में पूरा बेडिंग सेटिंग लगा कैसे ये रहते हैं मतलब। और बाकी यहाँ रहा, यहाँ लगा रहा है अंकुश भाई टेंट, और अभी हम लोग लगाएंगे वो पेड़ का बीच में टेंट आज। मतलब एक चीज मुझे मालूम चला, गलती से हमें कुछ सीख मिलता है। अगर मैं आज मतलब वो बैग जो है ना, बैग को मैं अगर सही सलामत रखता तो कपड़ा वगैरह उतना नहीं भीजता, रात को सोने में आराम होता। अभी उपाय नहीं है, जो भी होगा नेक्स्ट टाइम से गलती नहीं करने वाला हूँ। तो ठीक है अभी जल्दी से टेंट लगाता हूँ और फिर सोता हूँ, कोई नहीं मस्त, अभी ठंडा तो नहीं लगने वाला है। तो गाइस बैग पूरा भीग चुका है, अभी तो इतना क्लियर भी नहीं दिख रहा है। कपड़ा जितना है मैं थोड़ा बाइक का ऊपर ही टांग देता हूँ, थोड़ा हवा से सूख जाएगा। तो गाइस अभी आपका सामने से आ चुका हूँ, ये जो कंबल है उसको भिजा हुआ ना तो थोड़ा बहुत सूख जाएगा आग के ताप से। तो बस अभी थोड़ा आग में थोड़ा सूख रहा है, पूरा भीग चुका है ना, ये तो रात को भाई मुश्किल होगा। तो गाइस अभी रात का 9 बज चुका है और फिलहाल टेंट का अंदर आ चुका हूँ, और दो भाई भी मतलब साथ में सोने वाला है, और वहाँ पे आग वो कर रहा है, आग का मतलब ठंड है ना उसको, वजह से वहाँ पे बैठा हुआ है। और मैं आ गया हूँ यहाँ पे, और काफ़ी बार मतलब 2 बार तो मतलब फॉरेस्ट का वो आदमी आ चुका था, ऑफिसर आके पूछताछ कर रहा था कहाँ से है क्या नहीं। फिर वो लोग जो अंकल जी लोग थे वहाँ लोग बोले हम लोग चारधाम यात्रा कर रहे हैं, हम पैदल यात्रा कर रहे हैं तो थक चुके थे दिन भर, तो ऐसे करके रुके हुए। तो बहुत से मतलब काफ़ी टाइम बातचीत हुआ, उसका बाद फिर बोला कि ठीक है रहो। तो और सच में गाइस ऐसा जंगल में उत्तराखंड में फर्स्ट टाइम मैं सोने वाला हूँ, और मतलब यहाँ से यहाँ तो जानवर तो होते ही है वो तो मालूम ही है, लेकिन जो भी हो कुछ टेंशन नहीं है, और सब लोग है आराम से सो जाएंगे।
ठीक है, तो आज का वीडियो मैं यहाँ पर ही समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, बाय बाय। और यहाँ पे ना जीरो नेटवर्क, नेटवर्क भी नहीं है ऐसा हालत में, बाय बाय। और प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, बाय बाय। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ।